में काम करते हैं तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे सामान यूज किए जाते हैं। जब हम वायरिंग करेंगे या फिर हम इसके कंसील्ड वायरिंग हो, ओपन वायरिंग हो करेंगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे सामान है जो हम वायरिंग करते समय यूज करेंगे। तो अभी कुछ सामान के नाम बताने जा रहा हूँ जो वायरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप इस साइड से कुछ भी देख रहे हो, सारे को बोलते हैं मॉड्यूलर बॉक्स। अब सारे मॉड्यूलर बॉक्स का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि दीवार में जरी काटो, फिर इसको बैठा दो अंदर में। ऊपर से हम बोर्ड में जो हमारा ये बोर्ड आता है इसके ऊपर पे लगा करके स्विच सॉकेट लगा करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग बोर्ड पे, अलग अलग मॉड्यूलर बॉक्स पे अलग अलग साइज का स्विच सॉकेट लग सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ जो मॉड्यूलर बॉक्स है, ये 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल और 18 मॉड्यूल। हर मॉड्यूल का साइज अलग अलग होता है। जैसे ये 2 मॉड्यूल में आपके 3 बाई 3 हो गए, ये 4 बाई 3 हो गए। अभी 4 बाई 3 क्या है? तो 4 इंच बाई 3 इंच है। ये 5 इंच बाई 3 इंच हो गए, ये 5 बाई 5 इंच हो गए, ये 8 बाई 3 इंच, ये हमारे 8 इंच बाई 5 इंच और ये 8 इंच बाई 8 इंच। तो ये सारे मॉड्यूलर बॉक्स का काम होता है। इसके ऊपर में बोर्ड पे हम स्विच सॉकेट लगा करके किसी भी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे ऊपर में है फैन बॉक्स। फैन बॉक्स का काम करते हैं सीलिंग में हम पंखे लटकाने के लिए। उसके बाद नीचे हमारा कंसील्ड बॉक्स है, अगर सीलिंग में हमें बल्ब लगाना है तो कंसील्ड बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा डीप जंक्शन बॉक्स है। तो अभी इसमें कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। अगर 4 रास्ते हो गए तो 4 वे, और इसमें क्या है, गहराई है, इसलिए इसको बोलते हैं डीप। तो ये हो गया हमारा 4 वे डीप जंक्शन बॉक्स। इसमें क्या है, 3 साइड से पाइप जाने के रास्ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 3 वे। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा 3 वे डीप जंक्शन बॉक्स। अब ये सिर्फ प्लेन है, इसमें कोई डीप मतलब गहराई नहीं है। तो ये हो गया 4 वे जंक्शन बॉक्स और ये 3 वे जंक्शन बॉक्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो डीप वाला होगा उसको यूज करेंगे हम लोग सीलिंग में, छत पे, और जो प्लेन होगा इसको यूज करेंगे दीवार में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा बेल हो गया जो हम लोग घंटी के लिए यूज करते हैं, 2 तार है इसमें। इसको बोलते हैं एमसीबी शॉर्ट पत्ती। सिंगल फेज की एमसीबी को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जनरली वायर को ही शॉर्ट कर देते हैं। अगर वायर नहीं है तो उससे बेटर तरीका है हमारा एमसीबी का शॉर्ट पत्ती। इसको नीचे में लगा करके आप टाइट कर दो तो ये क्या होगा, एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। ये हमारे 4 पोल के एमसीबी बॉक्स होते हैं। अब इसमें 4 पोल के आप सिंगल एमसीबी बॉक्स लगा दो, या फिर सिंगल सिंगल पोल के 4 लगा दो, या डबल पोल के 2 एमसीबी लगा दो। ये हमारे डबल पोल के एमसीबी बॉक्स है। अब डबल पोल लगाओ या इसमें अभी जो एक्चुअली बना हुआ है ये सिंगल पोल का है, अगर डबल पोल में लगाना होगा तो दोनों साइड से इसको खोल देंगे। ये पीवीसी का बैंड हो गया। बैंड कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, अगर सीलिंग में और दीवार में कोई पाइप जा रहा है और दोनों पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं बैंड। सेम ये हमारा 4 वे जंक्शन बॉक्स है, ये 3 वे जंक्शन बॉक्स है। 3 वे जंक्शन बॉक्स को टी के नाम से ही बोलते हैं। अब इसका यूज करेंगे सेम दीवार में यूज करते हैं। इसके ऊपर में हम चाहेंगे तो होल्डर लगा करके बल्ब को भी ऑन कर सकते हैं। ये हमारा टी हो गया, ये सॉकेट हो गया। अभी सॉकेट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, कि जहां पे पाइप हमारा छोटा पड़ रहा है और उस पाइप को आगे बढ़ाना है तो उसमें क्या करेंगे, सॉकेट डाल करके हम पाइप की लेंथ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग अलग 4 होल्डर हो गए, एंगल होल्डर हो गए, पेंडेंट होल्डर, बैटन होल्डर और तुम्हारा बटन और ये बैटन होल्डर। उसके बाद ये अलग अलग एमसीबी हो गए, एमसीबी है, ईएलसीबी है, आरसीसीबी है। तो इसके बारे में डिटेल में एक बार फिर से आपको बताया जाएगा। ये हमारा स्प्रिंग बेंडर हो गया। अब इस पाइप को अगर बेंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इस पाइप में स्प्रिंग बेंडर डाल करके पाइप को हम बेंड कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री बना सकते हैं स्प्रिंग बेंडर की मदद से। ये पीवीसी का पाइप हो गया जो हम वायरिंग करेंगे उस वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं पीवीसी पाइप का। ये केसिंग केपिंग हो गए, ये अलग अलग साइज के केबल हो गए, 4 कोर केबल है सारे। इसको बोलते हैं फैन डमी या फैन प्लेट। हमारा जो फैन लगता है सीलिंग फैन, उसके ऊपर में जो जगह होती है उसको बंद करने के लिए, ये स्क्वायर बॉक्स होता है बल्ब के लिए। जो हमारा केसिंग केपिंग जाता है इसके ऊपर में कटिंग करके ये स्क्वायर बॉक्स लगा करके इसके ऊपर से हम होल्डर लगा के बल्ब लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं सी क्लैंप। अगर कोई पाइप जा रहा है तो सीधा सीधा इसमें लगा करके आप क्या करो, डाल दो और फिक्स कर दो। ये हमारा बल्ब का डमी हो गया। ये हो गया एमसीसीबी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये हो गया हमारा कनेक्टर। जब दो अलग अलग फेज होंगे या सेमी फेज है, अगर हम इसको कॉपर का तार है और एल्यूमिनियम का तार है
दो लोग अगर आपस में ज्वाइंट करेंगे तो तार आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, शॉर्ट होगा और मे बी वहां पे आग भी लग सकता है जब हाई करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमारे सामान है। अब इसमें से कुछ क्या है, ये आपका बेल हो गया, ये फ्यूज में लगाते हैं ऊपर से, ये फैन का कैपेसिटर हो गया, ये फैन हमारा ट्यूबलाइट में लगाते हैं, स्टार्टर, इंडिकेटर, ये टू वे स्विच, वन वे स्विच, ये हमारे चौक हो गए। अभी चौक में भी दो तरह की क्वालिटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। तो ये फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक चौक है। ये मेल फीमेल हमारे सॉकेट हो गए, ये थ्री पिन हमारा प्लग हो गया और इसमें सॉकेट हो गए। ये सारा इस्तेमाल हम लोग बिजली की जब वायरिंग करते हैं तो वहां पे किया जाता है। इसके अलावा जो भी डिटेल है आपको आगे क्लास में बताई जाएगी।